औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होम्योपैथ डॉक्टर कमर अब्बास। आज हम खांसी पे बात करेंगे, कफ क्या है, इसकी अकसाम कितनी है, और ये क्यूट और क्रॉनिक किन हालात में होता है, और इनका होम्योपैथिक इलाज क्या है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जी दोस्तों, हम खांसी पे बात कर रहे थे, कफ पे बात कर रहे थे। ये कफ किन हालतों में हमें पता चलेगा कि ये हम क्लिनिकल तौर पे देख सकेंगे कि ये अक्यूट है या क्रॉनिक है। तो इसमें जो खांसी, जो कफ 3 हफ्ते तक रहेगा वो हम अक्यूट के दायरे में रखेंगे, अक्यूट कफ कहलाएगा। और जो 3 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक रहेगा, 8 वीक तक रहेगा, उसे हम सब अक्यूट कहेंगे। तो दरमियाने दर्जे का जो है ना, वो क्रॉनिक में भी है और अक्यूट में भी है। और जो खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा और 3 मंथ तक रहेगी, इसे हम क्रॉनिक कफ में शामिल करेंगे। कफ की अकसाम, कफ कितनी किस्म की है। नंबर एक, कफ ड्राई कफ, जो कि खुशक खांसी है। ये सर्द गर्म मौसम में, मौसम की चेंजिंग के दौरान, या डस्ट एलर्जी की वजह से, गले में खराश होने की वजह से जो खांसी होती है, इसे ड्राई कफ कहा जाता है। नंबर दो पे वीट कफ, ये बलगमी खांसी है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से बलगम का पैदा हो जाना, बलगम जर्द रंग का हो जाना, ये वीट कफ में आता है। तीसरे नंबर पे जो अकसाम है इसकी, वो क्रॉपिंग कफ है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, हवा की नाली में सोजश होने की वजह से ये खांसी होती है। चौथे नंबर पे होपिंग कफ है, इसे हमारे इधर पाकिस्तान में काली खांसी भी बोला जाता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होती है। दोस्तों अब हम आते हैं इसका होम्योपैथिक इलाज की तरफ। होम्योपैथिक इलाज में सबसे पहली अकसाम में जो खांसी है, ड्राई कफ है, इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो एक्यूनाइट होगी, जो सर्दी की वजह से, सर्द हवा में निकलने की वजह से अचानक खांसी होना शुरू हो जाए, तो एक्यूनाइट इसमें बहुत अच्छा असर करती है। ये 30 पोटेंसी में 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट जुबान पर लेने हैं। इसके आगे ड्राई कफ में हमारी दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन है वो ब्राइयोनिया है। ब्राइयोनिया एक ऐसी मेडिसिन है जो हरकत की ज्यादती की वजह से, या हीटदार कमरे में, यानी कि सर्द हवा से या एकदम हीटदार कमरे में आने की वजह से, गर्म कमरे में आने की वजह से जो खांसी होती है, उसमें हम ब्राइयोनिया 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट ये जुबान पे लेने हैं। इसके आगे तीसरे नंबर पे जो खुशक खांसी में अक्सर पेशेंट अलामत देता है कि खुशक खांसी है, गले की खराश की वजह से खांसी है, लेकिन खांसी करते करते मेरा पेशाब निकल जाता है, उसमें हमारी कास्टिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट रखती है। ये भी 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे जुबान पे डायरेक्ट लेने हैं। ये खुशक खांसी की मेडिसिन है। दोस्तों अब दूसरे नंबर पे जो हमारी दूसरी किस्म की खांसी थी वो विट कफ थी, ये बलगमी खांसी है। इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन है, अगर पीले रंग की बलगम हो, पीले रंग का बलगम का खराज हो, या बलगम का कलर पीला हो चुका हो, तो उस पर हैपर सल्फ 30 में सुबह दोपहर शाम हमने 2-2 कतरे इस्तेमाल करने हैं। अगर लेसदार खांसी है, ऐसी खांसी कि जो बाहर निकालने पर ज़ुबान से चिपक जाए, मुंह में चिपक जाए, बहुत लेसदार हो, बहुत मुश्किल से खराज हो, तो उस पर कालीब्रोम हमारी मेडिसिन है, ये भी 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे इस्तेमाल करने हैं। इसके आगे चल के विट कफ में इन्फेक्शन की वजह से, या किसी ऐसे अमराज की वजह से कि जिससे बलगम खारिज ना हो प्रॉपरली, इंसान बलगम अच्छे तरीके से खारिज ना कर सके, खुसूसन ये अमराज बच्चों में और बूढ़ों में होता है, इसमें एंटीमोनियम टॉट बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये 200 में रोज़ाना की एक डोज 1 वीक तक लेने से बलगम का खराज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आसानी से बलगम का जो है ना खराज हो। इसके साथ साथ बलगम ना खराज होने में डलका मारा भी एक मेडिसिन है, वो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे इस्तेमाल करने से, ये विट कफ 2-3 वीक प्रॉपरली मेडिसिन लेने से खत्म हो जाता है। कफ की तीसरी अकसाम का इलाज जो कि क्रॉपिंग कफ है, इसमें सबसे पहले मेडिसिन हमारी एक्यूनाइट 30 या 200 में ही आएगी, क्योंकि ये सूजश की वजह से जो गले में खराश होती है उसको रिकवर करने में, सूजशी अमराज में बहुत अच्छा एक्यूनाइट वर्क करती है। ये 30 पोटेंसी में 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम, अगर 200 लेनी है तो सुबह शाम 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट जुबान पर लेने हैं। इसके आगे क्रॉपिंग कफ में नंबर 2 पे जो मेडिसिन है वो ड्रोसरा रूट है, जो 30 पोटेंसी में हमने लेनी है। ड्रोसरा रूट की अलामत ये है कि मरीज खांसी करते करते ऐसा फील करे कि मेरा गला दबाया जा रहा है, मेरा गला कोई दबा रहा है, गला दब जाएगा, उसमें ड्रोसरा रूट 30 सुबह दोपहर शाम
दो दो कतरे इस्तेमाल करने से रिकवर हो जाता है। इसके आगे तीसरी मेडिसन क्रोपिंग हब में स्पुंजिया टोस्टा है, जो कि अक्सर पेशेंट खांसी करे तो क्लिनिकल इलामत में क्लिनिक पे चेकअप के दौरान पता चलता है कि ऐसे लगता है जैसे कुत्ते की आवाज़ आ रही है, अंदर से खांसी हो रही होती है। तो उसमें स्पोंजिया ट्रोस्टा 30 सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे। दोस्तों इसके आगे चौथी अकसाम की खांसी में, जो कि होपिंग कफ है, जिसे काली खांसी भी कहा जाता है, ये बहुत खतरनाक अमराज है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, खुसन बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है। ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, इतनी बुरी खांसी है। जब आदमी खांसी करना शुरू होता है तो उसका सांस ही नहीं आता, कितनी कितनी देर तक जो है ना वो खांसी ही करता रहता है। हत्ता कि यहाँ तक कि कह होना शुरू हो जाती है, मरीज कह कर देता है, सांस फूल जाता है, हाथ पांव यहाँ तो बहुत रेड हो जाते हैं बच्चों में, और बूढ़ों में बिल्कुल नीले पड़ जाते हैं। इतनी खतरनाक किस्म का अमराज है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये एक से दूसरे को भी लग सकती है। इसमें होम्योपैथिक में जो पहले भी मेडिसिन आपको बताई जा चुकी है दूसरी अकसाम में, उसमें एकोनाइट है, वो भी वर्क करती है अच्छा सूजशी अमराज के लिए। अगर बलगम के इश्यूज हैं तो उसमें हेपरसल्फ या ड्रोसरा वगैरह भी प्रॉपर यूज होता है। इसके इसमें जब वो सांस ना आना और कलर का रेड हो जाना या नीला हो जाना, इसमें ड्रोसरा 30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा वर्क करती है ये होपिंग कॉफ के लिए। ये डायरेक्ट 3 से 4 माह रेगुलर लेनी पड़ती है, तो इससे 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे लेने हैं, तो इससे बड़ी तेज़ी से ये होपिंग कफ जो है ना रिकवर हो जाती है। तो खांसी के अमराज और अकसाम पे कुछ नॉलेज शेयरिंग वीडियो थी, तो कुछ भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके और उनको अलामत दे के चेकअप करा के तो प्रॉपरली मेडिसिन लें। अपने आप खुद से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, वो सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। अल्लाह।